हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे या और ब्लॉग मैं रात में शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ी सी बिजी थी घर के काम में। और हम लोग जा रहे हैं, राजा कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग के लिए, विंटर शॉपिंग। आओ ना, अरे आओ ना। सो क्योंकि ये रात ही में आते हैं तो मैंने इन्हें फ्री कराया किसी तरह से, और अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग। तो हम लोग चलते हैं जल्दी से शॉपिंग करने, वरना टाइम हो जाएगा। और देखते हैं कि आज हम लोग क्या ला पाते हैं और क्या नहीं ला पाते। तो चले, लेट्स गो। 7 बज गए हैं ऑलरेडी 7 o'clock लाइक बजने वाले हैं। तो चलिए, यार मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लेट गया है क्योंकि ना आज काफ़ी काम। राजा बोझो को भी तो लेके जाना है शॉपिंग। हाँ देख लो, हाँ बोझो की शॉपिंग पे भी तो चलना है, बोझो की शॉपिंग पे भी तो जाना है। बोझो के कपड़े लेके आने हमें, क्योंकि बोझो हर साल अपना साइज चेंज करता है। मैं को पुराने कपड़े पहना के देखने हैं, इसका एक कितना आ रहा है तो ठीक है, वरना ज़्यादा छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है। इसे लेके जाना बहुत ज़रूरी है फिटिंग के लिए और लेंथ के लिए। सो चलिए विंटर शॉपिंग। राजा गेट कैसे, किसने खोल के रखा है ये? गाइस मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ। एक्चुअली मैं ना, अब मेरे बाल बाल भी सब बिगड़ गए हैं। मैं यहाँ से, हम लोग सिर्फ निकल रहे थे, मैंने व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मैंने कैमरा बंद कर दिया था उस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड को लगा कि मोटर ऑन है और वो मोटर के लिए अंदर चले गए। और मैंने पीछे देख रही थी, मैंने हील पहनी थी और यहाँ पे जो हमारी इस साइड वाली सीढ़ी उस रूम की, उसमें रेलिंग नहीं है। तो वहाँ पर पता नहीं मेरा पैर क्या हुआ, स्लिप हुआ और मैं यहाँ से सीधे वो जो बीच वाला रूम है ना, वहाँ पे जाके गिरी। मैं आपको वो स्पॉट दिखाऊंगी। और मेरा जो, मैंने अपना फेस कवर किया और ये जो मेरा पूरा पोर्शन है यहाँ से लेके पैर तक का, मैं बहुत देर तक लाइक 10 मिनट तक वहीं पे पड़ी रही जिस हालत में थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं बहुत देर तक लेटी रही। राजा भाग के आया एकदम से, बाजू वाले भी आए देख रहे थे ऊपर से, उन्हें लगा मैं बेहोश हो गई, जबकि मैं बेहोश नहीं थी, मेरे को होश पूरा था। पर जो हालत थी ना उस टाइम पे, ऐसा दर्द और स्टिल वही पेन है मुझे, मतलब चलती नहीं बन रहा मुझे इस पैर से, अपने लेफ़्ट पैर से। ये पूरा जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो पूरा एरिया है यहाँ वाला, यहाँ इसके बल गिरी हूँ मैं अपनी इस एरिया के। और यहाँ मेरी जींस ही फट गई है और मुझे ब्लीडिंग भी हो गई यहाँ पूरे में। हम लोग जा शॉपिंग करने रहे थे और मैं गिर गई। मैं उस टाइम ही रोई, मुझे पता रोना आ रहा है। हाँ, और मैं इतना गंदा गिरी हूँ सच में पता है, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी। और अब क्या हुआ, ये एम्बुलेंस कॉल कर रहे हैं एम्बुलेंस को, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं सुधरा नहीं जाएगा। तो फिर मैंने इनसे बोला कि मुझे 5-10 मिनट दो कि मैं थोड़ा चलूँ, मेरे से चलती भी नहीं बन रहा है, मतलब मेरा एक पूरा पैर गया, मुझे नहीं मालूम कि कोई बोन है वो। बस मैं चाहती कि मेरी कोई भी सारी बोन वगैरह सब सही हो। और आपको पता भी, ठंड आ गई, अब क्या हालत होने वाली है मेरी। मैं जा रही थी शॉपिंग करने और हो ही गया। शायद अगर मैं सीढ़ियों से गिरती तो मुझे इतनी चोट नहीं लगती, मैं डायरेक्ट एक फ्लोर से नीचे फ्लोर गई हूँ, मान के चलो फर्स्ट फ्लोर से बीच वाले फ्लोर पे डायरेक्ट गिरी हूँ मैं। अगर मैं सारी सीढ़ियाँ, मतलब अगर मैं वो सीढ़ियाँ कवर कर लेती तो शायद मुझे इतनी चोट नहीं लगती, पर मैं डायरेक्टली इस फ्लोर से उस फ्लोर पे गिरी हूँ, वो भी इस एरिया के बल पे। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे को लगा मैं बता दूँ कि मैं शॉपिंग करने तो नहीं गई हूँ, अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। बस यार मैं चल के तो देख रही हूँ, पता जब मैं चल रही हूँ ना तो मुझे यहाँ पे कुछ गड़ रहा है, लाइक ये वाला यहाँ पे कुछ बहुत गंदा गड़ रहा है, देखना पड़ेगा। बात यह है कि एक्सरे करानी बहुत ज़रूरी है, अगर एक्सरे सही है तो फिर आप उस चीज़ की केयर कर सकते हो। और ये मेरा सेकेंड इंसिडेंस है, इस थर्ड इंसिडेंस है सीढ़ियों से। मैं पहले यहाँ की सीढ़ी से गई थी सीधी, पर उस टाइम घुटने पे लगी थी और वो पेन आई थिंक 1-1.5 साल बाद ठीक हुआ था। सो ये मेरा थर्ड इंसिडेंस है यहाँ से। पहले मैं सीढ़ियों से ही गिरी हूँ, अब की बार मैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर गिरी हूँ। मतलब मेरा इन यहाँ की सीढ़ियों से नहीं चलता, इनके यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं और डेंजरस है यहाँ की सीढ़ियाँ। और उस पर आपने हील पहन लिया, मैं इन्हीं को पीछे देख रही थी।
तो गाइस हम लोग घर आ गए थे और एक्सरे वगैरह सब करा लिया। दो घंटे लग गए ना राजा पूरे। और मेरे पूरे पैर में स्वेलिंग आ गई है, तो एक्सरे वगैरह कराया, तो जो एक्सरे है वो पूरा नॉर्मल आया है। मतलब बोन मेरी एकदम सही है, मतलब एकदम सही है बोन जो एरिया है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं। मतलब मेरे को सिर्फ इस चीज़ की टेंशन थी उस टाइम पे कि आपको सबसे ज़्यादा जब भी आप गिरते हो तो आपको लगता है आपकी हड्डियाँ जब वो हैं वो सही सलामत हो, तो वो सब कुछ नॉर्मल है। और जो पेन था वो बहुत गंदा था, उनने पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है रीढ़ की हड्डी वो सबको चेक किया कि कहीं पे भी गलती से, क्योंकि मैं एक पोर्शन पे गिरी हूँ पूरा। और वो जो गिरना था ना उस टाइम, मुझे तो ऐसा लगा था जिस टाइम मैं गिरी थी कि आज तो मैं गई। मतलब वो एक थॉट रहता है ना आपके दिमाग में कि आज तो मैं गई। और जो हमारे नेबर थे उन्हें लगा मैं बेहोश हो गई, तो बोले थे बिस्किट खिला दो। और मेरे को होश था पूरा कि पानी पिला दो, बिस्किट खिला दो, पानी पिला दो। उन्होंने बोला होश, मैंने बोला मैं होश में हूँ, मुझसे कोई अभी बात मत करो। वो जो पेन था ना, मैं सिर्फ ये चाह रही थी कोई कुछ ना बोले उस टाइम पे। तो वो जो पेन की इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, स्टिल अभी पेन की है इंटेंसिटी। बट उनने मुझे एक टिटनेस का और एक उसका क्या बोलते हैं पेन किलर इंजेक्शन लगाया। और जो इंजेक्शन था वो इतना गंदा दुख रहा था दादा, वो इंजेक्शन पता है बहुत गंदा दुख रहा था यार। वो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मेरे को तो आज टिटनेस और पेन किलर दोनों बहुत दुखे हैं। और वो जो नर्स थी उसने बोला कि जो पेन किलर रहता है वो थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, तो वो ज़्यादा पेन होता है। और उसने बोला था अपने आपको ज़्यादा स्ट्रेच मत करो, और जब आपको इंजेक्शन लगता है तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ी आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाती डर के मारे। तो मेरी थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी बॉडी उस टाइम पे। फिर जो मेरा ये वाला पोर्शन है इसमें जहाँ पे छिला था वहाँ पे पूरी उन्होंने बैंडेज वगैरह लगा दी है, स्वेलिंग आ गई है। और जो चोटें नहीं दिख रही थी अब वो चोट विजिबल, मतलब उनकी विजिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से रेड कलर के और ब्लू कलर के पैचेस आ गए हैं जहाँ पे मार्क्स पड़ने थे। बोल दो तुम क्या कर रहे हो। और उस उनने मुझे एक हफ्ते की दवाई दी है, तो एक हफ्ते की दवाई है। उनने मेरे से बोला है कि सीढ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे ना करूँ, मैं झुकना नहीं है और सीधे नहीं उठना है, करवट में उठना है, और यहाँ पे पिलो लगा के सोना है, और हाँ और ज़्यादा चलना नहीं है। उन्हें बोला थोड़ा रेस्ट करो। और जो उन्हें बोला कि हीट से रिलीफ नहीं करना है, मतलब जैसे हॉट वाटर बैग रहता है उससे रिलीफ नहीं करना अपने आप को, मतलब उसे सिकाई नहीं करनी है आपको, आपको आइस से सिकाई करनी है। राजा आइस से मैं इतनी ठंड में सिकाई कैसे करूँगी। हाँ सो मेरे को हीट से सिकाई नहीं करनी है, मतलब कि हीट से नहीं यूज़ करना है, आइस पैक यूज़ करने हैं। तो इतना सब हुआ, सब कुछ ऑल ऑफ द सडन हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं शॉपिंग करने जाने वाली हूँ और ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब लाइफ में कुछ भी हो सकता है। सो ये था कि बाय गॉड ग्रेस कि सब कुछ सही है, बस दर्द रहेगा क्योंकि ठंड है। यू नो ठंड में ऐसा होता है कि अगर आपको चोट लगी है तो वो 10 times ज़्यादा दुखती है। तो अभी तो जो भी इंजेक्शन का असर है बस ये था और कुछ नहीं था। बस डॉक्टर ने बस ये बोला कि बच गई, मैंने बोला हाँ मैं बच गई। और ये सीढ़ी के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ। और राजा भी गिरा है यहाँ से, तो राजा का तो क्या हुआ था, जो छोटी वाली उंगली होती है ना पैर की वो मुड़ गई थी अपनी जगह से। खाना वाना कुछ भी नहीं हुआ है अभी, तो मैंने दोपहर में दाल चावल बनाए थे और वो रखे हुए हैं, तो एटलीस्ट अब राजा उसे गर्म करके दे देगा। और कुछ भी नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग कहीं से जाके खाना पैक भी कराएं, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे से लिटरली चला नहीं जा रहा है। सो होता है। बस एक चीज़ बताती हूँ आपको, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे चोट लगती है, या फिर आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, मैं बहुत जल्दी नहीं रोती हूँ। मैं हमेशा क्या होता है, जब मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, लाइक मुझे किसी चीज़ का बुरा लगता है तो मैं बहुत जल्दी रोती हूँ, पर अगर मुझे चोट लगती है तो मैं इतने आराम से नहीं रोती, मतलब रोती नहीं हूँ मैं। सो ये था, मेरे हस्बैंड को ने बोला ठीक हो, वैसे अभी कोई और होता और उसे ऐसी लगी होती, वो इतनी गंदी तरह से गिरा होता तो अभी वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता। मैं एकदम नॉर्मल थी। जब उनने बोला कि आपको व्हील चेयर पर जाते, तो मैंने उसे बोला नहीं मैं पैदल चल लूँगी। फिर भी उनने फोर्सफुली मुझे व्हील चेयर पर लेके गए वो। बट एट लास्ट सब कुछ नॉर्मल आया। है ना नोना, तुम क्या
कैसे कर ली थी? तुम्हें तुम्हें पता है मुझे चोट लगी है? तुम्हें पता है मुझे थोड़ा सा पता चल गया था, फिर मेरे को लगा कि मेरी शॉपिंग कराने जाना था इसलिए लग गई। आप मुझे नहीं लेके गई तो आपको चोट लग गई। आप पहले मेरी शॉपिंग करा देती, पहले मेरी शॉपिंग करा देती तो नहीं लगती ना मुझे चोट। आपको चोट नहीं लगती, मुझे ले जाती तो, क्योंकि मैं तो आपको नीचे डायरेक्टली खींच के ले जाता। नोनी नोनी मेरी क्यूटी पाई। राजा मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रही थी यार। खालो कसम, तुम्हारी कसम। कब? अभी। नहीं सुनो रिपोर्ट। अरे राजा तुम्हें एक आवाज़ आई थी जब मैं गिरी थी। क्या हुआ था मेरे को तो ये नहीं मालूम, मैं उस टाइम अनकॉन्शियस हो गई थी। तेज चलाया, आजू बाजू नहीं पड़ा। तुम क्या चिल्ला रहे हो एकदम से आया है? ओह शिट शिट। हाँ पता, बहुत गंदा चिल्ला रहे थे ये, पर मेरे को उस टाइम मतलब बेहोश नहीं हुई थी, पर मेरे को सिर्फ यह था कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मेरे दिमाग में उस टाइम और कुछ नहीं था। और क्या बोलते हैं, हम लोग के बाजू में जो बालकनी है ना, वहाँ पे वो जो भी वहाँ पे रहती हैं आंटी, वो और उनका बच्चा खड़ा था, बच्ची खड़ी थी और वो देख रही थी। और मैं जब होश में, मैंने बोला अरे यार मैं कैसे पड़ी हूँ, मैं भी आ गया। मैं कैसे पड़ी थी? ऐसे मैं एक पोजीशन में ही पड़ी थी, जिस साइड से गिरी थी ना मैं उस पोजीशन में पड़ी थी। मैंने बहुत देर तक अपना थी, ऐसे गिर गई थी, गिर गई थी तो पड़ी थी ना। हाँ। तो जो मेरा पैर था वो मैंने बहुत देर तक, तो ये कम से कम 10 मिनट तक उठी नहीं है। मैं उठी नहीं, मैं इनको अपना ऐसे उठा के ऐसे कंधे पे ऐसे रख के, क्योंकि मैं गोदी में ऐसे नहीं उठा करता, इनके पैर में बहुत दर्द था। मैं उनको उठाया, मैंने ऐसे कंधे पे ऐसे इनका हाथ रखा धीरे धीरे कर, बहुत देर तक। तो मैंने बोल दिया मुझे छूना नहीं बस, कोई मैं बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या खाना है। बात कर दी सही में, आप पर कभी भी आप गिरे, वैसे गिरना मत कभी भी, पर गिरे तो कभी भी गिरते हैं आप। पर राजा देखो वो मेरे बर्तन पे गया है रसोई में। अच्छा सो कभी भी कोई भी गिरता है ना तो अपना चेहरा सेव कर लिया करी। और मेरे इस हाथ में बस ये था कि सो गाइस मैं अभी भी स्माइल के साथ इस ब्लॉग को एंड करूँगी। ऑल दो मुझे रोना कब आया था जब मैं आपको पहले बताई थी, उस टाइम ये था। अभी पेन किलर से पता थोड़ा दर्द कम है, पेन किलर का असर खत्म होगा, दर्द हो जाएगा। मैं एक चीज बताऊं, इतनी स्ट्रांग हो आपके लिए कोई और होता तो सबसे पहले वो उसी से रो मारता जब गिरा था। इतना ऊपर से नीचे, इतनी नीचे गिरना किसी का, कोई हंसी खेल है क्या? हाँ वही बोल रहे थे कि कोई और होता तो रोता बहुत गंदा। पहले तो मैं सिर्फ इमोशनल होकर रोती हूँ, मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैं थोड़ी स्ट्रांग ही रहती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ। मैं चोट लगी है, हाँ लगी है ना, बस दवाई लेंगे ठीक हो जाएगी, बस काम नहीं करना है मुझे, फिर मेरे को करना है। मेरा मन कैसे लगे डॉक्टर ने 3 दिन तो कम से कम उठना बैठना कुछ भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं चढ़ना। तो सीढ़ी तो मैं जाऊंगी नहीं कहीं पे, नहीं जाऊंगी मैं, घर में तो रहूंगी ना भैया, पर थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है काम। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ आराम करने, क्रीम लगा के सोने। पहले अपना बर्फ से अपना सिखाई होगी, मेरे को ठंड लगेगी बस इस चीज से मुझे रोना आ जाएगा। सिखाई होगी पहले और फिर क्रीम दी है वो, और खाने के पहले खाने की दवाई खानी है। सो गाइस फाइनल बाय, और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, और फॉलो कर सकते हैं मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ कल।